Hello everyone, I hope you all are doing well and everybody is fine and happy at their places. Welcome back again at my channel with most amazing recipe of butter and lemon baked fish fillet. I hope you will like the recipe, so watch the full video. Thank you so much for watching it. Let's start the recipe. यहाँ पे ले ली है मैंने एक प्लेट और इसमें मैं सोल फिश फिले ऐड कर दूंगी और इस तरह से यहाँ पे आती है। मैंने ग्रेट वैल्यू की ले ली है और ये सोल फिले है, तो बासा के फिले भी मिलते हैं। कोई भी फिश या चिकन भी आप इस रेसिपी से बना सकते हैं। तो इस तरह से पैकेट में होती है, ये बोनलेस फिश है, तो इसको मैं पैकेट्स को कट कर लूँगी और उसमें से फ़िश फिले निकाल लूँगी और एक एक करके सारे फिले को प्लेट पे इकट्ठा कर लूँगी और उसके बाद इस पर स्पाइसेस ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने सारे फिले डाल लिए हैं और पिंक सॉल्ट लिया है, और आप रेगुलर वाइट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। पिंक सॉल्ट ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है, तो इसको मैं ऐसे रैंडमली इस पर स्प्रिंकल करूँगी, ठीक है। और इसी तरह मैं ब्लैक पेपर को भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी और इसे अच्छे से इसके ऊपर लगा कर फिर इसकी साइड्स चेंज कर दूँगी। और साइड्स को चेंज करने के बाद अगेन से दूसरी साइड पे भी इसी तरह सॉल्ट एंड पेपर को स्प्रिंकल कर दूंगी और इसे एक साइड पे रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, जितनी देर तक मैं इसकी बाकी की मैरिनेशन डिपिंग तैयार करूंगी। बटर लेमन सॉस प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 ounce बटर ले लिया है, ठीक है। साथ में मैंने एक बिग साइज़ लेमन लिया है, लेकिन ये सारा नहीं जाएगा, हाफ अ लेमन जाएगा। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ लेमन है तो 2 से 3 लेमन्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस लेमन के स्लाइसेस कट कर लूँगी और इस जब तक बटर मेल्ट होता है तो इसको बाद में बटर के अंदर स्क्वीज़ कर लेंगे। यहाँ पे बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, अब मैं सारे जो लेमन स्लाइसेस हैं वो इसके अंदर स्क्वीज़ कर लूँगी। ओनली 3 स्लाइसेस स्क्वीज़ करूँगी, वो इनफ होंगे इस रेसिपी के लिए। और स्लाइसेस स्क्वीज़ करने के बाद यहाँ पे मैंने 3 गार्लिक क्लोव्स को बिल्कुल पेस्ट बना लिया है और बिल्कुल फ्रेशली चॉप किया है, तो फिर मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें रेगुलर की स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, लेकिन बहुत ही माइनर क्वांटिटी में। और हिमालयन पिंक सॉल्ट मैंने यहाँ पे लिया है 1 pinch, और इसी तरह मैं 2 pinch के करीब जो है वो ब्लैक पेपर ले लूँगी और साथ ही इसमें डाल दूँगी रेड चिली फ्लेक्स 1/2 teaspoon। और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद मैं इसमें ओरिगैनो ऐड करूँगी, और ये तो रेगुलर हर्ब है और इसके बेनिफिट्स ही हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने 1 teaspoon ये लिया है और आप इसको बाद में फ़िश के ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स ही हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे सारी स्पाइसेस और ओरिगैनो ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और जो फ़िश एक साइड पे रखी है सॉल्ट एंड पेपर लगा के उसको पायरेट डिश में अलाइन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ले ली है एक पायरेट डिश, और ये जो रेसिपी है आपने पायरेट डिश में ही बनानी है। अगर आप किसी और बेकिंग ट्रे या बेकिंग पैन में बनाएंगे तो इसके रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक फ़्लेवर होगा, इसका जूस होगा जो इस कदर फ्लेवरफुल होता है और इतना अच्छा सेहत के लिए होता है, न्यूट्रिशनल होता है, तो वो पायरेट डिश में ही बन के आएगा। अदरवाइज़ वो किसी और बेकिंग पैन में तो बिल्कुल ड्राई आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने फ़िश फिले को पायरेट डिश के अंदर अलाइन कर दिया और एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा स्टैक नहीं किया, अलग अलग से करके रखा है। तो अभी जो मैंने बटर और लेमन का मिक्सचर बनाया था उसको स्पून की मदद से इसके ऊपर लगा दूंगी, और ये इतनी डिलीशियस रेसिपी है ना कि मैं इसका टेस्ट आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप ये रेसिपी ट्राई करें और आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत बेस्ट है। इसमें बायो अवेलेबिलिटी जो कंटेंट्स की है, जो इसके न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं, वो 99% है, कि इसमें कोई ऑयल नहीं है। और बटर, यू नो, बटर के तो बेनिफिट्स नहीं है ना आपके लिए, और लेमन इतना अच्छा है, विटामिन सी है, और फ़िश जब इस तरह लेमन और बटर में बनती है तो अमेजिंग उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो 350 degree पे मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था और 25 minutes के लिए मैंने इसको बेक किया, और 25 minutes में इसके पूरा फ्लेवर आ गया, फ़िश अंदर
अंदर तक कुक हो चुकी है। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत टेस्टी है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये ट्राई करें। बहुत सेहत के लिए अच्छी है। लाइक इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका आपकी सेहत पे कोई बेनिफिट ना हो। मतलब ये ओवरऑल ये पूरा एक न्यूट्रिशन का बोल है और आप इसको अगर अपनी रेगुलर डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे इसके रिजल्ट से। और फ़िश को इस तरीके से कुक करने वाली रेसिपी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब हम फ़िश को फ्राई करते हैं, फ्राई करना भी ज़ाहिर है अब एक ही रेसिपी तो ट्राई नहीं कर सकते बार बार, वो भी अच्छी होती है रेसिपीज़, लेकिन चाहते ना चाहते भी तो उसमें न्यूट्रिशनल लॉस होता है ना ऑयल में फ्राई करने से। तो ये रेसिपी ज़रूर सेहत के लिए तो बहुत अच्छी है, तो आप इसको ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।